में हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। बस अब तुम जब उसके भरोसे पर आए हो, उसके अनुसार आए हो, थोड़ा डीले कम करो, आप उसके भरोसे आए हो, उसके अनुसार आए हो, तो उसके भरोसे पर रहो। साधेगा वो, संभालेगा वो। ब्रह्मा जी ने कहा आपके पिता कैसे दिखते हैं? भगवान नारायण ने कहा कि जल को देख लो, क्योंकि नारायण की जो उत्पत्ति है वो जल से। जल में जो अयन करे वो नारायण। तो कहा जल को देख लो, वही शिव है। जल शिव है, हाँ, सब में रमा होता है, सब में। प्रत्येक शिव जी पर चढ़ा हुआ, प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आप आचमन कर सकते हो, प्रत्येक शिव मंदिर का। केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते, वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। एक शिवलिंग पारत का ऐसा होता है जिसपे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते, बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप हैं, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग है, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं। केवल एक पारत का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का हम आचमन नहीं कर पाते। उसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचान पाता। बहुत कठिन है भगवान शिव को पहचान, बहुत कठिन। शिव को जानना बहुत कठिन। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, आप लोग तो आ गए यहाँ कथा सुनने के लिए, कथा सुनकर 7 दिन में, आज 5 तारीख है, 11 तारीख को आप लोग चले भी जाओगे, पर तुम्हारे आने से सबसे ज्यादा चिंता अगर व्याप्ति है तो मेरे देवाधिदेव महादेव को लगती है, सबसे ज्यादा चिंता उनको लगती है। कारण क्या है? महादेव को चिंता ये लगती है कि आ तो गया है, विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ता लेकर, कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जो शिव महापुराण की कथा सुनता है, शंकर की कथा को जो धारण करता है, शिव तत्व को जो धारण करता है, मेरा देवाधिदेव महादेव उसकी गोदी भरता है, उसकी झोली भरता है। आप आ तो गए हो, चिंता उसको व्याप जाए। ये पुष्कर का मेला ग्राउंड, पुष्कर का ये मेला ग्राउंड है, ये कितना बड़ा है। और परंतु तुम जहां चले जाओ, अभी हम आ रहे थे, हमने देखा कोई वो ऊंट चलाने की गाड़ी होती है ना, है क्या बोलते उसको, छकड़ा गाड़ी, अच्छा, तो ऊंट की जो गाड़ी होती है
इतने चतुर लोग कि वो उन्होंने देखा ये पंडाल पूरे भरे पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है और लोग जहां तहां बैठे हैं, तो वो छकड़ा गाड़ी को यहाँ बाजू में लिया और उसके नीचे घुस के बैठ गए। बताओ उसका करे, आधे उसके ऊपर बैठे आधे उसके नीचे बैठे, और ऊंट के पते ठिकाने नहीं। अब ऊंट कहां गए वो अब मालूम, परंतु सबसे ज्यादा खुश आज ऊंट भी हुआ होगा। ऊंट इसलिए खुश हुआ होगा कम से कम 3 घंटे की छुट्टी, अपने को चलना नहीं पड़ेगा, तो ऊंट को भी खुशी है। अब आ तो गए अपन इतने, अब चिंता व्यापे देवाधिदेव महादेव को, क्योंकि उसको मालूम है कि शिव पुराण तक पहुंचा है, खाली नहीं रखना इसको, कथा तक आया है ना, खाली नहीं रखना है इसको, झोली भर कर भेजना है, झोली भर कर, ये उसको मालूम है, उसके चिंतन में, उसके स्मरण में है। जल को देख लो और महादेव को देख लो एक बराबर, जल को देख लो और महादेव को देख लो एक बराबर। पहले के समय में ना अदालत होती थी, पहले के समय में ना पंचायत होती थी, पहले के समय में अगर निर्णय लिया जाता था तो हाथ में जल का पात्र पकड़ा दिया जाता था, उठा गंगा जली और कह दे तूने ये नहीं करा, केवल जल का पात्र हाथ में पकड़ा कर कह देते थे कि तूने ये नहीं करा। जल का पात्र है क्या, जल का लोटा है क्या, जल है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है ये जल का जो स्वरूप है ये शिव तत्व है, ये शंकर का स्वरूप। और बहुत सावधानी रखो साहब जल के मामले में, हम फिर कहना चाहेंगे जल है तो कल है। अपने दादा बाबाओं ने तो जल नदियों में देखा था, बोलो सही है कि गलत है? अपने दादा परदादा ने जल नदियों में देखा, अपने दादाजी ने जल तालाबों में देखा, अपने पिताजी ने जल कुएं में देखा, अपन ने जल हैंडपंप में हापसी में देखा, अपने बच्चों ने जल पानी की बोतल में देखा, अब आने वाली पीढ़ी हमको लगता है फोटो में देखेगी कि जल ऐसा होता था। हम नहीं बचा पा रहे, हम उस जल को नहीं बचा पा रहे। एक आपके राजस्थान का एक न्यूज़पेपर है पत्रिका गवार, श्री शिवाय नमस्तु भैम हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई जानकारी के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।